हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ पीएम बाय पैशन एकेडमी एंड दिस इज योर्स प्रतीक्षा मिश्र। तो आज मैंने पढ़ा जाऊँगी आउ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डेवलपमेंटल बायोलॉजी एग्जाम बहुत पाखे आसानी आई नो एंड से आपको बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ाक लास्ट मोमेंट में डिस्कशन कर दूसरी जो जिस गुड़ा कि आपको मुंड में पूरा प्रिंट होकर रही एंड एग्जाम जाइए गल 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 करके लिखिदेवार अच्छी। ओके, बहुत सुंदर लॉन्ग क्वेश्चन गोटे ये क्वेश्चन मैंने पढ़ुंत थंबनेल देखिए आपने सारी आम कौन पढ़ा आज प्लासेंटेशन विषय में पढ़ा मामाल्स मानकर केमिति प्लासेंटेशन होची। या पूर्व मुझे गोटे वीडियो बनाई थी जो थे कि इम्प्लांटेशन कथा आम देखी थे प्रीवियस क्लास रे दि चारा क्लास पूर्व इम्प्लांटेशन देखी थे से प्लासेंटेशन विषय में कही किसी। तो प्लासेंटेशन गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पिले एंड ता सहित या भितर मैक्सिमम जिन शॉर्ट नोट होसपर कौन कौन शॉर्ट नोट होसब जो मुझे डिटेल्स पढ़ेबी से लाइन बाय लाइन प्रति जिन कहीदेवी कौटा शॉर्ट नोट कौटा वन मार्क क्वेश्चन इच एंड एवरीथिंग मुझेदेवी एंड यस यार नोट्स जहाँ भी आपने वर्तमान स्क्रीन में देखुं ये कंप्लीट नोट मुझे टेलीग्राम चैनल अपलोड कर देची। तो प्लीज जो मैंने भी तो जानते बहुत भल कथा जो मैंने जानी ना एवं ही जाकि टेलीग्राम डाउनलोड करूँ सर्च करूँ पीएम बाय पैशन एकेडमी ऑफिशियल जॉइन करूँ आप टेलीग्राम चैनल एंड सर्च करूँ कोर 13 कि सर्च करूँ डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऊपर को ऊपर को स्क्रोल अप करके जाते देखिए आराम से हैंड रिटन नोट्स मिल जाए यूनिट 1 यूनिट 4 पर्यंत सब नोट्स अपलोड होती आपने बास टे सर्च कर जानूना से प्रोब्लेम हो सर्च करवा शिखी जातु आराम से नोट पाइबे बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं एंड ए लॉन्ग क्वेश्चन ने मुझे जितकी भी इंग्लिश वर्ड सब यूज करें पूरा सिंपल इंग्लिश एमती किसी इंग्लिश ना जोटा आपने बुझीपारे तो स्टार्ट करवा क्वेश्चन स्टार्ट करने आगे पीला जब भिड भल लगे तो प्लीज दिल से गोटे लाइक करदे जमी सपोर्ट करमती सपोर्ट कर था आम चैनल को सारा ओडिशा रे खेले दिंतु समस्त को शेयर करूँ सीनियर जूनियर भाई भौणी जिते भी अच्छा समस्त को शेयर करते एंड बिना सब्सक्राइब जो मैंने देखुन प्लीज टी सब्सक्राइब कर दिखाँ आप अकाउंट टाँटे भी कटेन ग्यारंटी दूसरी मुझे प्लीज टी सब्सक्राइब कर दिखाते हैं मत मोटिवेट कर था तो ओके तो स्टार्ट करवा प्लासेंटेशन तो क्वेश्चन स्टार्ट करवा आगे टी आमको बेसिक जिनस जानवा दरकार प्लासेंटेशन माने कौन प्लासेंटा टेशन माने होची फॉर्मेशन प्लासेंटार फॉर्मेशन को हमें प्लासेंटेशन बोली कही था ये हमें जो प्लासेंटेशन देखुं क्या विषय देखुं मामाल्स मामाल्स माने जितकी भी सब एनिमल आम देखुं जमी कुकुरा बिलई हो गला छेली मेंढा मणीष ये समस्त जाऊँच मामाल्स भितर तो मामाल्स मानक प्लासेंटेशन केमी होटा कौन टे जितेबले भी गोटे फीमेल बॉडी प्रेग्नेंट हुए प्रेग्नेंट हवा समय गोटे प्लासेंटा जोटा कि गोटे टेम्पररी ऑर्गन सेटा तैयारी हुए आ प्लासेंटा कौन पे तैयारी हुए जो बॉडी भितर फिटस रोचे ना नुआ गोटे बेबी तैयारी होची से न्यू बेबी बा फिटस टू मदर बॉडी भितर गोटे कनेक्टिंग लिंक तैयारी करुची ए प्लासेंटा कहीं कनेक्टिंग लिंक तैयारी होची आम मैंने खाऊँ आम मैंने तो हाथ पूरे कि पेट भितर छुआ को खाईपरिवे तो छुआ खाइब केमती ए प्लासेंटा थ्रु रे तार न्यूट्रिशन हम मदर बॉडी जितक न्यूट्रिटिव मटेरियल से सब आम न्यू बॉर्न बेबी पाक को सर न्यू बॉर्न को मो फिटस पाक को ट्रांसफर होंड गैसियस एक्सचेंज हम एंड एक्सक्रिटरी मटेरियल एक्सचेंज हम तो जहाँ भी सब फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो सब क्या द्वारा होना प्लासेंटा द्वारा हो प्लासेंटा केत ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी प्लासेंटा तैयारी ये कौन ना ये गोटे टेम्पररी ऑर्गन जोटा कि मदर एंड फिटस भितर गोटे कनेक्टिंग लिंक तैयारी एंड जो वे प्लासेंटा तैयारी होमें प्लासेंटेशन प्रोसेस कही था। ओके क्लियर तले देखिए अभी लाइन बाय लाइन पूरा फास्ट देखिए इंट्रोडक्शन कौन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन टू एम्ब्रियो कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और फिटल मेम्ब्रेन इज द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स द एमनियोट्स। या पूर्व आम पढ़ते एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो थे देखते एमनियन कोरियन आलांटॉइज यॉर्कशायर तो ये से ही जिनस ही कहुई गोटे आम जो एम्ब्रियो तैयारी होची एम्ब्रियो चारिपटे प्रथम गोटे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तैयारी होची जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की आम एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखुच प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन हिसाब से काम करुच दिस मेम्ब्रेन्स बीइंग सराउंडेड टू डेवलपिंग एम्ब्रियो फॉर्म्स एंड अ टेम्पररी ऑर्गन बिटवीन मैटरनल एंड फेटल टिश्यूज सो कॉल्ड प्लासेंटा। ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन टी प्रथम तैयारी होची एम्ब्रियो चारिपटे ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ठारू मदर बॉडी पर्यंत तो गोटे टेम्पररी ऑर्गन तैयारी होची जोटा कि मदर बॉडी और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को कनेक्ट करके रखुच कहते प्लासेंटा। या प्रथम किए बाहर करते ना हार्वे विलियम हार्वे जे सैंटिस्ट जेकि 1657
57 मसीहा वॉज फास्ट टू डिफाइन प्लासेंटा एज एन ऑर्गन दैट एस्टाब्लिशेस एन ऑर्गेनिक कनेक्शन बिटवीन फिटस एंड मदर। ये जो विलियम हार्वे नामक जन साइंटिस्ट से 1657 मसीहा प्रथम प्लासेंटा विषय में कही एंड सी कही कि ये हूँ गोटे प्रकार ऑर्गन जी कि कनेक्शन लिंक तैयारी करे मदर आउ फिटस भितर। ओके इन जनरल प्लासेंटा इज द नरिशिंग टिश्यू बिटवीन मदर एंड हर डेवलपिंग फिटस। इट इज फॉर्मड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ बोथ फिटल एंड मैटरनल टिश्यूज जॉइंटली एंड सर्व्स द पर्पज ऑफ न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो कहवा कथा है प्लासेंटा गोटे नरिशिंग टिश्यू हिसाब से काम करे। नरिशिंग मैंने जमी खावाक पीवाक देखिए बड़ करवा जमी बॉडी भितर मेल बॉडी भितर स्पर्म रहा हमें नरिशिंग टिश्यू रही जेकि नरिशमेंट कराइबार हेल्प करेंगे सटली सेल बोली कही नर्स सेल बोली कहीं कहीं कारण से नरिशिंग करूँ खाया पीवाक देखिए बड़ करुच्चे स्पर्म को ठीक सेमती एटी कौन हो प्लासेंटा जेहतु हेल्प करुच्चे न्यूट्रिशन ने रेस्पिरेशन ने एक्सक्रीशन ने से नरिशिंग टिश्यू बोली कही था। ओके द मोड ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ प्लासेंटा टू द यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। एबे जस्ट कहती प्लासेंटा हबार प्रोसेस को हमें प्लासेंटेशन बोली कही था। ये कौन दे मोड ऑफ फॉर्मेशन जो वे रे प्लासेंटा तैयारी होउची एंड फ्यूजन ऑफ प्लासेंटा टू द यूटेराइन वॉल फ्यूजन माने लागिबा प्लासेंटाटा जेतु तैयारी होउची ताको लागिया पई कोन जगह दरकार के नहीं तो कोठी है लागुची मदर यूटेराइन वॉल ले लागुची मदर कोठी लागुची मदर यूटेराइन वॉल ले लागुची एंड फिटस पाखरे लागुची फिटल सेल पाखरे लागुची लागिके गोटे कनेक्शन तैयारी करुची आउ एई प्रोसेस को हमें प्लासेंटेशन प्रोसेस बोली कही था। जो प्रोसेस द्वारा मदर बॉडी रो यूटेराइन वॉल ठारु फिटल सेल भितरे प्लासेंटा रो कनेक्शन लिंक तैयारी हुए से प्रोसेस को प्लासेंटेशन बोले कहा जाए। एग्जाम रे आपण मन को पचार दबो डिफाइन प्लासेंटेशन कौन प्लासेंटेशन तो यही आपण मैंने लिखे प्रथम लिखे प्लासेंटा कौन तापर लिखे प्लासेंटेशन कौन प्लासेंटेशन पचार मैंने डायरेक्ट प्लासेंटेशन लिखिदेवे जदि पचार व्हाट इज प्लासेंटेशन गोटे टू मार्क्स क्वेश्चन तेल प्रथम व्हाट इज प्लासेंटा लिखे मैंने प्लासेंटार डेफिनेशन देवे जमीक आम फास्ट पढ़ले तार डेफिनेशनटा तो प्रथम प्लासेंटार डेफिनेशन देवे तापर प्लासेंटेशन लिखे। ओके प्लासेंटेशन गोटे टू मार्क्स क्वेश्चन भी हो पार नेक्स्ट कौन लिखाई ना द फेनोमेन ऑफ प्लासेंटेशन इज इनवेरिएबली रिलेटेड विथ द विविपारिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओबीएस कथा जो मैंने अंडा दौरान आम ओविपारस कही क्यारेक्टर को ओविपारिटी बोली कही था तो केस रहा कौन प्रकार प्लासेंटा फर्मेशन होगा दरकार ही ना अंडा तो अच्छी ता भितर तो ऑटोमेटिक तार न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन सब अच्छी तार कौन प्रकार फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा दरकार नहीं तो जो मैंने सब ओविपारस ऑर्गेनिज्म अच्छा बिल्कुल भी ये प्लासेंटा स्ट्रक्चर न था। ओबीएस कथा कौन ना जो मैंने छुआ जन्म करती डायरेक्ट तमें विविपारस कही था तो विविपारस मैंने ओबियसली प्लासेंटा थी कौन से जिनसे ही लिखाई कौन। ओके आम कौन देखा ना से अकरेन्स बहुत इंटरेस्टिंग जिनस अच्छे अकरेन्स कौन अच्छी ना प्लासेंटा इज नॉट एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मामल्स माने प्लासेंटा केवल जे मामल मानक केस देखा जाए ता नुह आम फास्ट पढ़ले कौन ना प्लासेंटा ऑल मामल मानक केस देखा किंतु आम पढ़ले कि के मामल मानक छड़ा आउ कोठी देखा जाउ नाही बोलिकिरी आम से पढ़ले आम कौन पढ़ले जे प्लासेंटा सब मामल मानक पाखरे देखा जाउची बट नॉट एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मामल ता माने कौन ना ये केवल मामल मानक पाखरे देखाउनी मामल मानक छड़ा आउ किछ ऑर्गेनिज्म अछंती तांक पाखरे भी देखा होची सब मामल मानक पाखरे देखा होची ता सहित मामल मानक छड़ा आउ किछ ऑर्गेनिज्म अच्छा तांको पाखरे मध्ये ए प्लासेंटा देखा बट ऑल्सो अपीयर्स इन एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस ग्रुप्स ऑफ एनिमल किंगडम सच एज पेरिपार्टस लाइक ओनिकोफोरा। सेकंड सेमिस्टर आपण माने आर्थ्रोपोडा सहित ओनिकोफोरा पढ़ते सो ओनिकोफोरा मानको केस रे देखा होची एंड साल्पा बा ट्यूनिकेट्स देन इलास्मोब्रांकिया किछि लिजर्ड्स स्नेक्स जो माने कि रेप्टाइल अंडर रे आछन से मानको पाखरे मध्ये देखा होची प्लासेंटा। हाउएवर द नेचर ऑफ प्लासेंटा विथ रिस्पेक्ट टू देयर मोड ऑफ ओरिजिन स्ट्रक्चर टाइप एंड फिजियोलॉजी वेरीज इन ऑल दिस केसेस। प्लासेंटार जहाँ जहाँ भी फंक्शन रही प्लासेंटार जमीका स्ट्रक्चर रही स्पेसीस टू स्पेसीस ये व्यारी करुच्ची एथेर कौन लिखाई लिखाई जे प्लासेंटा सब मामल मानक केस देखा प्लासेंटार प्लासेंटा मामल मानक सहित अदर ऑर्गेनिज्म मानक केस रे भी देखा जमीक इलास्मोब्रा कोनिकोफोरा रेप्टाइल्स एमानक केस रे भी देखा किंतु
ప్లాసెంటర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ మెమల్ మనకు కేసర జా రెప్టైల్ మనకు కేసర సియను ప్లాసెంటర్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ప్లాసెంటర్ ఒరిజిన్ రెప్టైల్ మనకు కేసర జా ఇలాస్మబ్రాంక్ మనకు కేసర సియను తో ఓలబోర్ కహగలు తాంకర మోడ్ ఆఫ్ ఒరిజిన్ సమనకర స్ట్రక్చర్ సమనకర ఫంక్షన్ వ్యారీ కరుచి అనిమల్ టు అనిమల్ స్పెసిస్ టు స్పెసిస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆమె కొన దేఖిబా అరే ఇంప్లాంటేషన్ కెంతి హోచి ఇంప్లాంటేషన్ ఆల్్రెడీ తమే దేఖి దేచంది గుట మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ క్వశ్చన్ జో మన దేఖి నాంది ఎబె ఇ జాకి వీడియో దేఖంతు పూరా సిరీస్ డెవలప్‌మెంటల్ బయాలజీ అప్లోడ్ హేచి దేఖంతు పూరా కాన్సెప్ట్ క్లియర్ కరికి ఎగ్జామ్ కు జాంతు ఎగ్జామ్ పూరా సూపర్ ऊपर है कि ऐसी बात, ओके? तो देखिए कौन है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन का प्रथम स्टेप हो जी इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन ना हो बा, छोटा जब ऐसे कि यूटेराइन वाले ना लगी बा, ब्लास्टुला जब ऐसे कि ना लगी बा, ताहले केमी जी तैयारी हो बा प्लासेंटा, तैयारी ही है बेरी बनी, जब ब्लास्टुला टा फैलोपियन ट्यूब रे रही बा, ताहले प्लासेंटा टा केमी जी तैयारी हो बा, तो प्रथम है ब्लास्टुला ऐसे कि लगी बा रहती यूटेराइन वाले से तो, सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा इज द अटैचमेंट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ द यूटेरस कॉल्ड इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस थ्रू रे एम्ब्रियो आसिकी यूटेराइन वाल सहित मदर यूटेराइन वाल सहित अटैच होची ताकु ही आमे कहउचंती फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्लासेंटेशन दिस इज इफेक्टेड बाय स्मॉल फिंगर लाइक प्रोसेसेस द विली व्हिच ग्रो आउट फ्रॉम द कोरियन एंड पेनिट्रेट इनटू द क्रिप्ट्स ऑफ द यूटेराइन वाल ये जो ब्लास्टुला आसिक लगुच इम्प्लांटेशन कहते केमी लगुच्छी जमी बुढ़ियाणी बुढ़ियाणी जो जाल तैयारी करुच्चे ता गोड़ साहयारी करुच्ता गोड़ साहर से जाल बुणी 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 तैयारी करते आम कौटी गोटे चढ़ूं तो आम आम हाथ साहर धरी धरिकी चढ़ूँ आम हाथा कौन करुच्ची आम हाथा गोटे झाँप मारियापी रेडी होम झाँप मारिकी आम धरिकी चढ़ूँ उपरको ठीक सेमती एटे जो भिली या भिलीटा कौन कर आटाचमेंट हेल्प करुच्ची धरी रखे हेल्प कर धरुची ब्लास्टुला ब्लास्टुला किसी अच्छी जो थे आटाच हो पारे तादर कौन फेबिक्विक लगी लगे तो ब्लास्टुला पाखे एमती किसी गोटे जिनस रहा दरकार जो द्वारा कि से आम यूटेराइनल को झांपिकी धरी पार तो जो धरी पार ये धरवार स्ट्रक्चरटा कौन भिली डेवलप होरियन लेयर्रु भिली डेवलप हो भिलीटा कि यूटेराइन वाल को धरी रखे हेल्प करुच्च बर्तमान मुझे आपण मानक छातर लटकईदेवि तो लटक केमी लटकेंगे निज हाथ साहय छातर जो धार अच्छी से धरिकी लटकेंगे मुझे कहि छातर धार को कि धीरे 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 एमुंड से मुंडो को जानतु एपटू सेपट को जानतु केमे जिबे हाथ साहाज्य धरी 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 जिबे जेमते हम हाथर आंगुठी गुडा को हेची धरी रखिवारे हेल्प करची ठीक सेमते भिल्ली गुडा को हेथे जो भिल्ली गुडा की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हेथे एंड ए यूटेराइन वॉल सहित अटैचमेंट रे हेल्प करथे ओके सो द इंटर डिजिट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोनिक एंड मैटरनल पार्ट इज कॉल्ड प्लासेंटा ये जो मीडिएट स्ट्रक्चरटा तैयारी होची इंटर डिजिटेड स्ट्रक्चरटा तैयारी होची ताको आमे कहउचंती प्लासेंटा एबे कोन देखिबा ना प्लासेंटार मोड ऑफ ओरिजिन कोन केमिति ये तैयारी होची सो टिपिकल मामालियन प्लासेंटा ये जो कंपोजाइट स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द डबल ओरिजिन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डेवलपमेंट एंड द फ्यूजन ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विद द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस ये केमिति तैयारी होची फ्यूजन द्वारा तैयारी होची कहार फ्यूजन द्वारा तैयारी होची फिटल टिश्यू एंड मैटरनल टिश्यू माने यूटेराइन वॉल रे जो टिश्यू माने देखा होचंती मदर बॉडी रे तार एंड फिटस बॉडी रे जो टिश्यू देखा होची दीटा जंकर फ्यूजन ने ही तैयारी होची ए प्लासेंटा दस फॉर्म दस फ्रॉम इट्स ओरिजिन प्लासेंटा कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स सेति पई प्लासेंटा दी प्रकार भाग रे मेनली विभक्त होची कोन गोटे होची फिटल प्लासेंटा गोटे होची मैटरनल प्लासेंटा तो एठी ना रोही बुझी होची प्लासेंटा रो दीटा भाग अछि गोटे पार्ट जॉइंट करूची मदर बॉडी को आ गोटे पार्ट जॉइंट करूची फिटल बॉडी को जेमते गोटे पाइप गोटे पाइप मुझे आपको धरीदेवि दुटा पिला डाकबी दुटा पिला डाकिकी मुझ दी जन पिला गोटे पाइप जन को गोटे एंड जन को धरीदेवि आ गोटे एंड जन को धरईदेवि दैट मीनस दी जन पिला रही ना राम और श्याम दी जन पिला रही गोटे पाइप को राम धरी दैट मीनस राम जो पटर पाइपटा को धरी से पाइप पटा तार जो पाइपटा श्याम धरी जो पटटा धरी से पटटा श्यामर ठीक सेमती प्लासेंटा गोटे पाइप भाया स्ट्रक्चर पाइप्र दुटा पट अच्छी गोटे पट मैटरनल बॉडी लगी मैटरनल प्लासेंटा कही था आ गोटे पट फिटल बॉडी लगी जहाँ को फिटल प्लासेंटा बोली कही था सो द फिटल पार्ट ऑफ प्लासेंटा इनवॉल्व्स फोर एलिमेंट्स कौन कौन रही फिटल प्लासेंटा पाखे एमनियन कोरियन न्यूक्साक एलेंटस व्हेयर एज द मैटरनल पार्ट इनवॉल्व्स अ सिंगल कंपोनेंट द एंडोमेट्रियम आम जानते हैं एंडोमेट्रियम रप्चर हो गले कौन हो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो तो जदि एंडोमेट्रियम रप्चर हो ना तो ब्लास्टुला आसिक आटाच हो जाजर भिली साहय आटाच हो जाटाच हो जा फल से जैगोट तैयारी प्लासेंटा तैयारी होकर गोटे नुआ बेबी तैयारी हो जाए तो ये जो प्लासेंटा तैयारी हो फिटल पाखे केतटा पार्ट रही फिटल पाखे चारिटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन रही आमनियन कोरियन न्यूक्सा कैलेंटाइस जोटि की मदर बॉडी पाखे मात्र गोटे ही कंपोनेंट रही आम कौन एंडोमेट्रियम जो एंडोमेट्रियम पाखु कि ब्लास्टुला प्रथम न्यूट्रिशन आनी थाए जेपर्यंत प्लासेंटा हो न थाए तैयारी न थाए से पर्यंत ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम लेयर सहित आटाच होकर न्यूट्रिशन आनी थाए आउ एंडोमेट्रियम टा कहार पार्ट मदर बॉडी पार्ट ओके आउट
of four, only the chorion being the outermost membrane makes intermediate contact or immediate contact with the endometrium of the uterus. जो चारिटा लेयर आम फिटस पढ़िले प्रथम लेयर किए रोचे मैंने सब आउटर लेयर किए रोचे कोरियन तो जदि बर्तमान आपण को गोटे टच कराइबा मन कर बॉडी को मुझे बर्तमान कांथ सहित टच करी बॉडी रो को पार्टा प्रथम टच कर प्रथम स्किन पार्टा टच कर कि ना कहीं स्किन हूँ आउटर सरफेस प्रथम आम लंग्स जाइए टच करदेव कि कांथ में ना हार्ट जाइए टच करदेव ना किडनी जाइए टच करदेव प्रथम आम स्किन टच कर कांथ सांगे कहीं स्किन हमारे आउटर मोस्ट लेयर ठीक सेमती ये जो चारिटा लेयर आम देखुं फिटाल सेल अच्छी फिटाल टिश्यू अच्छी आमनियन कोरियन यक्सा कैलांटाइज सब आउटर मोस्ट लेयर कौटा कोरियन जदि आउटर मोस्ट लेयर रहा कोरियन तेल कोरियनटा एंडोमेट्रियम सहित प्रथम आटाचमेंट हे से ही लिखाई आउट ऑफ फोर ओनली कोरियन जो चारिटा लेयर अच्छे ताकि कोरियन इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सब आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन हूँ कोरियन मेक्स द इमिडियट कंटाक्ट इमिडियट मैंने प्रथम कंटाक्ट ए कोरियन ही कर क्या सहित कर विथ द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस मैटरनल बॉडी एंडोमेट्रियम सहित प्रथम अटैचमेंट हम कार कोरियन न द कोरियन प्लेज इट्स रोल बाय वे ऑफ वास्कुलर सप्लाय व्हिच रिसीव्स फ्रॉम द एलेंटॉइस वास्कुलर माने आम कही ब्लड सप्लाय जो जगह भी ब्लड सप्लाय होमें वास्कुलर कही जो जगह ब्लड सप्लाय होमें आ वास्कुलर कही तो ये जो कोरियनटा प्रथम जाइए अटाच हो जा मदर बॉडी सहित ताकि कौन हो ब्लड सप्लाय हो ये कौटू रिसीव करना एलेंटॉइस पाखु रिसीव कर इन मामास देयर आर टू पॉसिबल सोर्स ऑफ कोरियोनिक वास्कुलेशन वास्कुलराइजेशन ये मामाल पाखे दुईटा सोर्स कोरियोनिक वास्कुलराइजेशन होता है कौन कौन होता है गोटे हूँ विटलाइन सर्कुलेशन आ गोटे हूँ एलेंटॉइस सर्कुलेशन विटलाइन सर्कुलेशन मैंने ये जो फ्लो हूँ ब्लड फ्लो हूँ वास्कुलराइजेशन होता यक्साक द्वारा प्रोवाइड हम जहाँ को विटलाइन सर्कुलेशन कही एंड एलेंटॉइस सर्कुलेशन मैंने ये ब्लड फ्लोटा एलेंटॉइस द्वारा प्रोवाइड होता ना ही जना पड़ती है विटलाइन सर्कुलेशन मैंने यक्साक द्वारा प्रोवाइड हो प्रोवाइडेड बाय यक्साक एंड एलेंटॉइस सर्कुलेशन मैंने प्रोवाइडेड बाय द एलेंटॉइस ओके एबे आमे कौन देखा ना दुईटा विषय टी डिटेल्स देखेदे जो दुईटा टाइप आम प्लासेंटा देखे गोटे हूँ कोरियो विटलाइन प्लासेंटा बा यक्साक प्लासेंटा आ गोटे कोरियो एलेंटॉइस प्लासेंटा दुईटा विषय में डिटेल्स देखेदे फास्ट कौन देखा ना कोरियो विटलाइन प्लासेंटा और यक्साक प्लासेंटा सो सम मार्सुपियल्स किसी मार्सुपियल्स अच्छा जो मैंने कि क्या बार दिखते ना इमाच्योर यंग वन मान को बार दिखती सो सम मार्सुपियल्स गिव बार टू इमाच्योर यंग वन्स देयर एलेंटॉइस रिमेन्स रिलेटिवली स्मॉल एंड नेवर मेक्स कॉन्टैक्ट विथ द कोरियन वेयर एज द यक्साक मेम्ब्रेन वेयर एज द यक्साक बिकम्स लार्ज एंड गेट फ्यूज्ड विथ द कोरियन एथिरे कौन हुए ना जेहेतु मार्सुपियल मैंने इमाच्योर यंग वन मान को जन्म दे था इमाच्योर छुआ जन्म करते तो एलेंटॉइस ने छोटियाटे हो रही जाए रिलेटिवली स्मॉल हो जाए ये कंटाक्ट क्या सहित करेनि कोरियन सहित करें जेहेतु एलेंटॉइस कोरियन सहित कंटाक्ट करें ब्लड सप्लाई कौटना कौट तो हवा दरकार ना जेहेतु एलेंटॉइस करें तो ये यक्साक मेम्ब्रेन कौन हो तार फायदा उठेदेव यक्साक मेम्ब्रेन ये बड़ हो जगार कि एलेंटॉइस कोरियन सहित लगभग था से जगह एलेंटॉइस आ कोरियन सहित लगभग एलेंटॉइस बदलने कौन लगे यक्साक लगे यक्साक मेम्ब्रेनटा बड़ होक्साक मेम्ब्रेन जाकि कोरियन सहित लगे इन दिस फॉर्म्स द कोरियन गेट्स its blood supply from the network of the vitelline blood vessels of the yolk sac and such placenta is called choriovitelline or yolk sac placenta आम या पूर्व कौन देखिले ब्लड सप्लाय वास्कुलराइजेशन होची वास्कुलराइजेशन केमिति होची ना फिटस रो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड एंट्रेंस रे सब बेले यार भीतर किछ ना किछ क्वेश्चन आसे तो कॉन्सेप्ट मु बारंबार कहूँ तो क्लियर हो जातु पूरा कौन मु कहली ना जो आउटर मोस्ट सेल रहिला कोरियन आउटर मोस्ट लेयर रहिला फिटस रो कोरियन कोरियन जाकि एंडोमेट्रियम लेयर सहित अटाच होटाच हो सारापर या ब्लड सप्लाई दरकार हो जो ब्लड सप्लाय कि कोरियन को किए करोच आईदर एलेंटॉइस करोच नहले यक्साक करोच जदि ए मार्सुपियल माने इमाच्योर यंग वन मान को जन्म दौंस केस रे कौनसी प्रकार भी ए जो एलेंटॉइस थाए सी ब्लड सप्लाय करें कहीं कहीं इमाच्योर यंग वन मान केस रे एलेंटॉइसटा छोटिया थाए आउ एमाने केबे भी कोरियन सहित डायरेक्ट कंटाक्ट करिपारंती नाही जदि वर्तमान मु आपन सहित डायरेक्ट कंटाक्ट न करिपारिबी ताहेले मु जो जिनसटा आपन को दबार थिबो केमिति देबी दे पारिबी ना जदि वर्तमान मु कोन करिबी ना मोर मते गोटे सांग को गोटे पेनटे दबार अछि तो मु आई
आइदर ताकू जाइकिरि देबी जोटा को मैं डायरेक्ट कांटेक्ट बोली कहउचंती मु होची आलन टॉयस मु जाइकी कोरियन पाकु को मो पेंडा देकिरि आसी सेटा होची डायरेक्ट कांटेक्ट जदी मु न देई पारिबी कोनसे कारण रो मो देहटा खराब हेगला ताकू तो पेंटा दरकार ना तो से कोन करिवो वर्तमान ताकू आउ जने नेकी दबो सपोज मो भितरे आ मो सांग भितरे गोटा हेले इंटरमीडिएट किए गोटा आसीबा जिए नेकी मो सांग को पेंडा दबो मो सांग के कोरियन मु होची आलन टॉयस वर्तमान मु जाई परलिनी तो मु आउ जहा हातरे पेंटा देबी बा जिए जाइकिरि पेंटा ताकू दबो से किए से होची यक्साक जदि यक्साक कोरियन सहित आटाच हो जाऊँगी तेल आम कौन कह यक्साक प्लासेंटा सिंपल जिनस जदि आलन टॉयस कोरियन सहित आटाच हो ब्लड सप्लाय करें कोरियो आलन टॉयस प्लासेंटा कह जदि कौन केस आलन टॉयस ब्लड सप्लाय कर फुलफिल हो पारुनी ब्लड सप्लाय कर पारुनी तो कोरियन डायरेक्ट आटाचमेंट हो यक्साक सहित आम कोरियो विटेलाइन यक्साक प्लासेंटा कही था ओके ए बुझीगला तो मार्सुपियल मानक केस्रे केमिका टाइप प्लासेंटा देखा यक्साक प्लासेंटा देखा एंड एटा गोटे वन मार्क क्वेश्चन जे मार्सुपियल मानक केस्रे जो टाइप प्लासेंटा देखा जाए सीए कौ टाइप प्लासेंटा से होची यक्साक प्लासेंटा एंड आउ गोटे क्वेश्चन कौन वन मार्क क्वेश्चन जे मार्सुपियल मानक केस्रे प्लासेंटेशन पीरियड रे कोरियन पाखु को ब्लड सप्लाय किए करथाय कोरियन पाखु को ब्लड सप्लाय यक्साक करथाय केबे भी आलन टॉयस ब्लड सप्लाय करि पारे नाही मार्सुपियल मानक केस्रे काहेकि ना ये बहुत स्मॉल होइथाय जेहेतु आलन टॉयस बहुत स्मॉल होइथाय एंड कोरियन सहित डायरेक्ट कांटेक्ट करि पारे नाही सेहिथि पई ही या पाखरे यक्साक प्लासेंटा देखा जाय ओके क्लियर नेक्स्ट आल जबे कोरियो आलन टॉयस प्लासेंटा जस्ट तार अपोजिटटा कोरियन सहित डायरेक्ट कांटेक्ट जदि यक्साक रहबा ताले मे तको कोरियो विटेलाइन और यक्साक प्लासेंटा कहउचंती जदि कोरियन क्लियरटा आलन टॉयस सहित डायरेक्ट कांटेक्ट रहिकरि ब्लड सप्लाय करूची आलन टॉयस ताले मे तको कोरियो आलन टॉयस प्लासेंटा कहबा सिंपल जिनस घुसिबा बिल्कुल दरकार नै सो दिस इज द एडवांस टाइप ऑफ प्लासेंटा वेयर कोरियन क्लाइंट बाय आलन टॉयस एंड आलन टॉयस ब्लड वेसल सिस्टम टेकिंग ओवर टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो से ही लिखा है जी एटा कोन एटा गोटे प्रकार एडवांस टाइप रो स्ट्रक्चर जो थिरे कि कोरियनटा कहाँ सहित लाइन है कि अच्छी आलन टॉयस सहित लाइन है कि अच्छी ऑन एंड आलन टॉयस ब्लड वेसल सिस्टम सहित लाइन है कि अच्छी जो द्वारा कि कौन हो टेकिंग ओवर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस जेहेतु आलन टॉयसटा कोरियन लेयर सहित डायरेक्ट कांटेक्ट रे अच्छी तो आलन टॉयस ब्लड वेसल रो काम हो ट्रांसपोर्ट करिवो कौन ट्रांसपोर्ट करिवो ना जहाँ भी सब ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स रही न्यूट्रिएंट फ्यूट्रिएंट जहाँ भी सब ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल रही सी सब ट्रांसपोर्ट करिवो कोठी कोठी ट्रांसपोर्ट करिवो ना मदर बॉडी रु एम्ब्रियो पाखो को ट्रांसफर करिवो इट इज फाउंड इन ऑल यूथेरियंस एज वेल एज सम मार्सुपियल्स लाइक पारामेल्स डायशॉर्ट्स एक्सेट्रा इन दिस टाइप द कोरियन इज नॉट स्मूथ बट बियर्स रूट लाइक वास्क्युलर प्रोसेसेस कॉल्ड विली दैट ग्रो आउट फ्रॉम द कोरियन इन टू द एडजेसेंट मैटरनल टिश्यू ऑलरेडी तो हम ये विषय पढ़ी जो कोरियन लेयर गोटे विली बाहर जे कि अटैचमेंट हेल्प कर एंडोमेट्रम सहित एंड ये गोटे एडवांस टाइप स्ट्रक्चर मैंने कोरियो आलन टॉयस प्लासेंटा गोटे एडवांस टाइप प्लासेंटा जो थे कि कोरियन क्लियरटा जॉइंट होती क्या सहित आलन टॉयस सहित जॉइंट होकर तार ब्लड वेसल सहित जॉइंट होकर विभिन्न प्रकार ट्रांसपोर्ट करुच्छे ओके क्लीयर एवं ये पर्यटन एंड जो डायग्राम बर्तमान आप देखिपुट डायग्राम श्योर करेंगे मुझे सब बेले कही आर्टिस्टिकल डायग्राम करवा बिल्कुल बिल्कुल दरकार ना ये सुंदर सुंदर डायग्राम करें एग्जाम टाइम ना जमी पारे सेमती डायग्राम करदे कि चिन्हीला भाया रफ डायग्राम करेंगे पेनसिल जदि यूज करते डीप कर कलर करेंगे मैंने डीप कर पेनसिल करेंगे कहीं उड़ीबार चान्स रोच लिभिजार चान्स रोच ना जदि आपर लिभेबार कौन प्रकार क्वेश्चन उठन जो मे हाथ भल थाए मैंने गोल फोल सब ठीक ठाक हो थाए से पेनसिल यूज न करके डायरेक्ट पेन यूज करते बहुत भल कथ पेन करूँ पेनसिल करूँ कि डायग्राम करूँ एंड डायग्राम जमी आपको चिन्ह दिखाई एटा आमनियन एटा कोरियन एटा यक्साक एटा आलन टॉयस सेमती आपने चिन्हेबे एटा कौन से कौन लेबलिंग करेंगे एंड तले ना भी लिखे जे डायग्रामा कौन करते कहीं बारंबार कहूँ डायग्राम करते तले ना लिखुद कहीं 0.25 मार्क रोचे डायग्राम आउ तले ना लिखापी जदि आप डायग्राम कर तले ना लिखुना ना तो आपर मार्क भी से कटिजार चान्स रही है कहीं आप जो चित्र कर सेटा आक्यूरेट चित्र नुह ए जो डायग्राम आप देखुं विटेलाइन ब्लड वेसल देखुं ये जो प्लासेंटार डायग्राम देखुं आम बॉडी भितर एम टेढ़ामेढ़ा प्लासेंटा है कि ना ओके तो बहुत सुंदर प्लासेंटा अच्छी जदि आम टेढ़ामेढ़ा प्लासेंटा करुँ तो आमको तले लिखार अच्छे जे यहाँ कहार डायग्राम बोलिकी तो से आर्टिस्टिकल डायग्राम करवा दरकार ना कि भी आप डायग्राम करूँ चिन्हीला भाया करूँ तार लेबलिंग करूँ तले ना लिखुद एंड बहुत सुंदर मार्क पाए से ग्यारंटी तो मुझे जिते सुंदर डायग्राम से सुंदर मार्क आपने ही पाइबे ओके नेक्स्ट
देखा नेक्स्ट कौन देखा ना प्लासेंटार मोर्फोलोजिकाल क्लासिफिकेशन एटी आम तर ब्लड सप्लाई वास्कुलाइजेशन को लेकर देखुले के प्लासेंटा देखा होता ब्लड सप्लाई को लेकिन दी प्रकार देखा होता एवं मोर्फोलोजिकाल क्लासिफिकेशन देखा मोर्फोलोजिकाल कौन मोर्फोलोजी मैंने हूँ आउटर स्टडी गोटे रही है एनाटॉमी जहाँ को इनर स्टडी कही आ गोटे रही है मोर्फोलोजी जहाँ को आउटर स्टडी कही बर्तमान आम हूँ मनीष गोटे मनीष को आम चिन्हा कमी मुझे गोटे कहा हार्ट नहीं कि थोदेवी मुझे कहटा कहा हार्ट तुम देखिए जापर कि कहा हार्ट बोली लंग्स नहीं थोदेवी तुम देखिए जापर कहा लंग्स बोलिक ठीक सेमती आम गोटे मनीष बोली कमी चिन्हुंट आउटर रू देखिकी आम चिन्हुंट गोटे कुकुर आम चिन्हुंट बाहर देखिक आम चिन्हुंट ठीक सेमती का ये बाहर स्टडी को आम कौन कहते ना मोर्फोलोजिकाल स्टडी कहते तो ये बाहर स्टडी को लेकिन प्लासेंटा केते प्रकार होती गोटे 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 करके देखा फास्ट कौन देखा ना नॉन डेसिडुएट और सेमी प्लासेंटा या कहे नॉन डेसिडुएट कहीं कौन देखा इन दिस टाइप द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूटेरस इज सुपरफिशियल द फिटल कोरियोनिक एपिथेलियम लाइज इन कॉन्टैक्ट विद द यूटेराइन एपिथेलियम एट द टाइम ऑफ बर्थ द कोरियोनिक विली आर सिंपली ड्रॉन आउट फ्रॉम द डिप्रेशंस ऑफ द वॉल ऑफ द यूटेरस विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द यूटेराइन वॉल एंड नो ब्लीडिंग अकर्स नॉन डेसिडुएट आम एथिपाई कहते कहीं मदर बॉडी रे एंडोमेट्रियम सहित जो फिटाल सेल कनेक्शन होता है एत स्ट्रंग कनेक्शन हो न था जेहेतु एत स्ट्रंग कनेक्शन हो न था से जन्म करवा समय से ब्लीडिंग हुए समस्त जानते आम मानक छुआ जन्म हुए प्रबल ब्लीडिंग हुए मदर बॉडी रु प्रबल ब्लीडिंग हुए कहीं हुए कहीं आम मानक इंटरस्टिशियल कनेक्शन रही इम्प्लांटेशन में कही ना जो इंटरस्टिशियल कनेक्शन इंटरस्टिशियल कनेक्शन मैंने बहुत स्ट्रंग अटैचमेंट रोचे मदर आउ फिटस भितर जो कि जितेबाला छुआटा बाहर को बाहर की आसूसी ब्लीडिंग हो जाए कि एमतीका आनिमल अच्छा जो मानक केस्रे कि कोरियन लेयरटा एतटा अटाच हो न था यूटेराइन वाल सहित जेहेतु स्ट्रंगली अटाचमेंट न था तो जितेबाला भी बेबीटा बाहर को आसूस से ब्लीडिंग हो न था एंड यार एक्जामपल किए किए जामती पिक्स हो गले काटेल्स हो गले हॉर्सेस हो गले यही मानक केस्रे ना कोरियनिक विलीटा बिल्कुल भी एंडोमेट्रियम लेयर सहित स्ट्रंगली अटाच हो न था बस लाइज करके था लाइज मैंने बस टिके ना को आउजी होकर थाए से जितेबाला भी छुआटा बाहर को आसूस ब्लीडिंग हुए ना से ही लिखाई दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा इज फाउंड इन पिग्स कैटल हॉर्सेस एक्सेट्रा इन दिस टाइप आज द कोरियोनिक विली लाए इन अपोजिशन विद द एंडोमेट्रियम बट डू नॉट फ्यूज विथ इट सच प्लासेंटा इज कॉल्ड एज सेमी प्लासेंटा जेहेतु कोरियोनिक विलीटा केवल एंडोमेट्रियम सहित आउजे थाए लाइज करके थाए कि या सहित फ्यूज करके न थाए मैंने पूरा चिपकी भितर पशिकी न थाए से आम सेमी प्लासेंटा कही ओके नेक्स्ट आम कौन देखा डेसीडुएट और प्लासेंटा वेरा डेसीडुएट प्लासेंटा कौन बा प्लासेंटा वेरा कौन बोले ये जो नॉन डेसीडुएट प्लासेंटा डेसीडुएट प्लासेंटा एगुड़ाक हूँ इटसेल्फ गोटे गोटे शॉर्ट नोट मैंने आपको दुई मार्क क्वेश्चन पचारदेव व्हाट इज नॉन डेसीडुएट प्लासेंटा बा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेसीडुएट एंड नॉन डेसीडुएट प्लासेंटा व्हाट इज प्लासेंटा वेरा प्लासेंटा वेरा गोटे वन मार्क क्वेश्चन पचारदेव एंड आपर एक्सटर्नाल कॉलेज को आसुवे एक्सटर्नाल वाइबा पचारे तो वाइबारे पचरा जाए जे नॉन डेसीडुएट प्लासेंटा कौन नॉन डेसीडुएट प्लासेंटा कौ मानक केस्रे देखा जाए बा हॉर्स मानक केस्रे कौन पाई चाइल्ड बर्थ समय पार्चुरेशन समय ब्लीडिंग हुए ना यही टाइप रुप विभिन्न प्रकार क्वेश्चन वाइबारे भी पचरा जाए ठीक अच्छे तो नॉन डेसीडुएट प्लासेंटा कौन देखेद इन सम अदर मामल्स किसी अदर मामल अच्छा लाइक मैन रैबिट डॉग कैट एक्सेट्रा द डिग्री ऑफ इंटीमेसी बिटवीन फिटल एंड मैटरनल टिश्यू बिकम्स इनक्रीज्ड एवं जस्ट कहती जमी आम मान चाइल्ड बर्थ समय चाइल्ड बर्थ को पार्चुरेशन कहते तो चाइल्ड बर्थ पार्चुरेशन समय आम मान ब्लीडिंग होता है कहीं ब्लीडिंग होता है कहीं आम डिग्री ऑफ इंटीमेसी बिटवीन फिटल एंड मदर टिश्यू बहुत हाई थाए से ही जितेबाला इरोड होरोड मैंने जितेबाला छिंडिकी आसूसी बेबीटा बडी भितर से बहुत जोर ब्लीडिंग होती वॉल ऑफ द यूटरस बिकम्स इरोडेड इरोडेड मैंने क्षय हो जाए टू वेरियस डिग्री थ्रू द एक्शन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट एंड द एम्ब्रियोनिक टिश्यू पेनिट्रेट इनटू द यूटराइन वॉल एस्टैब्लिशिंग अ मोर इंटीमेट कॉन्टैक्ट एंड फैसिलिटेटिंग द पासिंग ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द मदर टू फिटस एंड वाइस वर्सा जितेबले भी गोटे इम्प्लांटेशन हो ब्लास्टुलार इम्प्लांटेशन हो मदर बॉडी सांगे से कौन हो जो भिली तैयारी होरियन लेयर भिली तैयारी हो भिलीटा कौन कर एंडोमेट्रियम लेयर सहित पूरा जोर पूरा स्ट्रंग अटैचमेंट होदी बर्तमान मुझे गोटे फेबिक्विक चिपकईदेवी टाणिक आणला बेलू प्रबल कष्ट हम ना नहीं दुटा जिनस को फेबिकल चिपकईवा फेबिक्विक
चिपकेबा किंबा टिके नाको पानी मारी के चिपके देबा दीटा अंक तीनटा अंक भीतर डिफरेंस देखा हबो जोटा हमें टिके पानी मारी के चिपके देथवा कि टिके नाको तेल मारी के चिपके देथवा से पूरा संगे संगे पळे आसीबो जोथरा हमें फेविकॉल देके चिपकेथिबा से टिके डिफिकल्ट हबो किंतु आसीबो जोटा हमें फेविक्विक देके चिपके देथिबा पूरा स्ट्रांग अटैचमेंट कर देथिबा ताको बाहर कला को बहुत डिफिकल्ट हबो कि नहीं आम मानकर सेई भला देखा होची ए जो मणीस हे गेले रैबिट हे गेले डॉग हे गेले कैट हे गेले एमानक भीतर ना डिग्री ऑफ इंटीमेसी बहुत हाई हे था डिग्री ऑफ इंटीमेसी माने जो मदर रो एंडोमेट्रियम एंड फिटल टिश्यू भीतर एकर डिग्री ऑफ इंटीमेसी माने जो कनेक्शन रही बहुत हाई हे था सेत में जते बेले छुआटा बाहर को बाहर के आछ जबरदस्ती बाहर के आछ तो एंडोमेट्रियम लेयर को पूरा रप्चर करके आछ इरोड करके आछ क्षय कर दे आछ जो थी बैंक की प्रबल मात्रा रे ब्लीडिंग हे था एज द कोरियोनिक विली फ्यूज विद द इरोडेड यूटेराइन वॉल ऑफ द म्यूकोसा द प्लासेंटा इज कॉल्ड प्लासेंटा वेरा और ट्रू प्लासेंटा ट्रू आम कौ केस जमी आपने बैक्टेरिया पढ़ते यू बैक्टेरिया यू मैंने कौन ट्रू जो बैक्टेरिया मैंने बैक्टेरिया सब प्रकार क्यारेक्टरीस्टिक् देखा आम यू बोली कही था यू मैंने ट्रू जो जगह यू थे जानवे से ट्रू तार नेचर हो ट्रू से सब प्रकार क्यारेक्टर देखा तो सेमती आम मानक जो प्लासेंटा देखा होने ट्रू प्लासेंटा प्लासेंटा वेरा बोलिकी कही था ठीक अच्छे आट द एंड अफ द प्रेगनासी प्रेगनासी शेष समय द फिटस इज एक्सपेल्ड विथ द मस अफ मटरनाल टीस्यू जिते भी फिटसटा बडी बाहर को आसूँ गोटे प्रबल मैंने गोटे मस अफ टीस्यू को लेकिन बाहर को आसूँ दैट डेसीड वे इन दिस केस पार्चुरीशन फलोज विथ ब्लीडिंग दैट स्लोज डाउन अंटिल द ब्लड क्लट्स जिते भी पार्चुरीशन हो प्रबल मात्र ब्लीडिंग होडिंग केत स्टप होपर्त ब्लड क्लट न होती मन रहा प्लासेंटा वेरा कौन जहाँ को डेसीड्रेड प्लासेंटा कहते एंड जहाँ ट्रू प्लासेंटा कहते जोटा कि ह्यूमन बॉडी मानक केस देखा होता रैबिट डॉग कैट यही केस देखा नेक्स्ट आम कौन देखा कंट्रा डेसीड्रेड प्लासेंटा ये पुणी गोटे कौन ना इन पारानेल पारामेल्स मोल द एसोसिएशन बिटवीन फिटल एंड मैटरनाल टिश्यू इज इंटीमेट आज इन डेसीड्रेड प्लासेंटा जमी डेसीड्रेड प्लासेंटा मानक केस मामाल मैंने जो मैन होगा डॉग होगा कैट होगा विषय भितर जमी डिग्री ऑफ इंटीमेसी हाई थी सेमती डेसीड्रेड प्लासेंटा भलिया कंट्रा डेसीड्रेड प्लासेंटार डिग्री ऑफ इंटीमेसी हाई थाए बट एट द टाइम ऑफ पार्चुरीशन किंतु जन्म समय सम पोर्शन ऑफ द बोथ मैटरनल एज वेल एज फिटल टिश्यू आर लॉस्ट आम जितेबले भी डेसीड्रेड प्लासेंटा पार्चुरीशन होता मैंने आम मानक चाइल्ड बर्थ होते कौन होवल मैटरनल टिश्यू इंजर्ड हो मैटरनल टिश्यू कौटा ये आम एंडोमेट्रियम लेयर से रप्चर हो फिटस किसी प्रॉब्लम हो कि होतर आराम से बाहर को पल आस किंतु कंट्रा डेसीड्रेड रे सेमती पूरा स्ट्रांग कनेक्शन रही किंतु जिते बड़े भी तांकर चाइल्ड बर्थ होना खाली मैटरनल टिश्यू इरोड होनी मैटरनल टिश्यू सहित किसी अच्छी फिटल टिश्यू सीए नष्ट इरोड होके पल आसा लिखाई एट द टाइम ऑफ पार्चुरीशन सम पोर्शन ऑफ बोथ जिते चाइल्ड बर्थ होते बोथ मैटरनल एज वेल एज फिटल टिश्यू आर लॉस्ट मैटरनल टिश्यू भी नष्ट लॉस्ट हो एंड फिटल टिश्यू लॉस्ट हो अब्सॉर्ब्ड इन सीटू बाय मैटरनल ल्यूकोसाइट दिस मोडिफाइड डेसीड्रेड प्लासेंटा इज कॉल्ड कंट्रा डेसीड्रेड प्लासेंटा तो गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस कौन डेसीड्रेड और कंट्रा डेसीड्रेड भितर डेसीड्रेड प्लासेंटा जहाँ कंट्रा डेसीड्रेड प्लासेंटा से बट डेसीड्रेड प्लासेंटा केवल मैटरनल टिश्यू रो लॉस्ट होता है बट कंट्रा डेसीड्रेड प्लासेंटा बोथ मैटरनल एंड फिटल टिश्यू रो लॉस्ट होता है ओके एवं देखीदे मॉर्फोलॉजिकल बेस रे केते प्रकार प्लासेंटा देखा फास्ट आम कौन देखे ब्लड सप्लाई अनुसार मैंने वास्कुलाइजेशन अनुसार प्लासेंटा दि प्रकार देखा होता जदि कोरियन यक्साक सहित अटाच होकर ब्लड सप्लाई करें कोरियो विटेलाइन और यक्साक प्लासेंटा कहते जदि कोरियनटा आलांटॉइड्स आलांटॉइक ब्लड वेसल सहित अटाच होकर ब्लड पास करें कोरियो आलांटॉइक प्लासेंटा कहते जोटा कि आम जो वास्कुलाइजेशन डिफरेंशिएट करते सेमती मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अनुसार आम तीन प्रकार देखे नॉन डेसीड्रेट और सेमी प्लासेंटा डेसीड्रेट प्लासेंटा और प्लासेंटा वेरा जहाँ ट्रू प्लासेंटा कहते एंड आ गोटे हूँ कंट्रा डेसीड्रेट प्लासेंटा ओके तीन प्रकार प्लासेंटा देखिले पे मुझे शीघ्र शीघ्र कहूँ ये कहीं वीडियो जत्ते लेंदी हो जाए अपलोड करने को बहुत समय जा गाँव में रोचे गाँव में एते नेटवर्क कनेक्शन बिल्कुल भी स्ट्रांग नुह आप जानते तो मत गोटे वीडियो अपलोड करने को तीन घंटा पाखापाखि समय लग जा चाहूँ दिनक दुईटा चारिटा वीडियो अपलोड करने कि पॉसिबल बिल्कुल भी हो पार नहीं केवल ये नेटवर्क इश्यू पर तो से बहुत फास्ट 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 आपण मूँ पढ़ाऊँ आपने देखु अलग वीडियो भी आपने देखुए
टीचर मैंने बहुत स्लो मोशन रे पढ़ाती किंतु मु स्लो मोशन रे एथि पई पढ़ाएनि कारण पाठ मु से सेम जिनस पढ़ाए आ बहुत कम समय भितर केमिति एक्स्ट्रा जिनस आपण माने जानि परिबे जथेष्ट अधिक जिनस आपण माने कवर करि परिबे सेथि पई मु टिके फास्ट पढ़ाए एंड आपण मानको जदि लागु छि कि मु बहुत शीघ्र पढ़ाई दउछि तले आपण माने टिके वीडियो को स्लो करि परिबे किंबा ता सहित बैक करिके मध्य आउ थरे वीडियो को देखि दियंतु आराम से क्लियर हे जइबो मु त आपण मानको सजेस्ट करिबि ए जो प्लासेंटार क्लास आपण माने वर्तमान देखुचंती गोटे थर क्लास सरीगला परे नेक्स्ट काली को आउ थरे ए क्लास टा देखि दियंतु काहेकि ना बहुत इंपोर्टेंट जिनस यार भितर आम माने पढ़ुचंती एंड यार भितर ही आपण मानकर सेमिस्टर सर्ट क्वेश्चन आसवा एंट्रान्स लेवल भी क्वेश्चन आसवा आपण माने आगु किछि भी एंट्रान्स दियंतु मैक्सिमम जिनस ए प्लासेंटा भितर ही एग्जाम आसो एंट्रान्स आसो तो जदि वीडियो को दी थर आपने देखीदेवे ना आराम से आपर सब फंडा क्लीयर हो मन भी रही कहीं मुझे दी थर देखापी मो व्यूज बढ़ियापी मुझे कहूनी जदि मु बर्तमान आपण को किसी गोटे जिनस कहूँ कहीदेला फल मन रने से जिनस निजे पढ़े से मन रही मन रही जदि आपने पढ़ले मन रुहता तेल मुझे कहीं क्लास करती पढ़ले तो सब होना आपजे निजे पढ़ा द्वारा जी मन रही लिखिले आउ टे मन रुदी कहीदेवी आउ टे मन रदि मुझक फिल्म गोटे देखेदेवी तेल आपर आहरी शीघ्र मन जावा आम जो फिल्म गोटे देखती फिल्मटा थे देखती के पांच छः थर देखती कि देखती गोटे थर देखिक आसला ना आम मुंडे पूरा स्टोरी रही थाए कौटी कौन है किए क्या कौन कहला केत सीन है आम मैंने कही दिखती प्रॉपर डायलॉग न कही पारे भी आम टोटाल थ्योरीटा कहीदे पारे कौन कौन या भितर होता यहाँ आम रचनाटा लिखिदे पार जे फिल्म रे एआई सब होता आम केत टोटाल डायलॉग सह लिखिपर जिते आम फिल्म को दुई थर खंडे देखा एंड ताक लिखिक रखा नोट करके ये एआई कहला सीए से कहला ताल जामर जमी मुवी देखिक मन रोचे ना आमर सेमती हूँ पाठ पाठ बर्तमान मुझक तो वीडियो देखे पारे मो पाखे एत जीआईएफ एफ कि ना देखे पारिनी तो से मुझक इमाजिन करके मन रखा ट्राए करुच्ची इमाजिन करूँ एटा एमती होता सहीटा सेमती होमती सेमती सेम सेम कर इमाजिनर करके रखा ट्राए करोट्स आपरेडी मुझे जोटा हो जाए फिल्म डायलॉग एंड आपण कौन करार अच्छे दी थर खंडे वीडियो देखार अच्छे कहीं मुझे जो स्टोरीटा कहूँचना से स्टोरीटा दी थर शुणीदे आराम से आपर मन रही कौटी कौन अच्छी कौटी कौन होता कौन होता कौन होता इच एंड एव्रीथिंग क्लीयर होतीपा जहाँ भी वीडियो अपलोड करुच्ची आपको पढ़ा को टाइम हो बहुत कम समय भितर आप गोटे क्वेश्चन पढ़ा को आटलिस्ट टू आवर्स टाइम लगुव जदि मो वीडियो आप अधघंटे 45 मिनट देखी दूसरे मुझे ग्यारंटी देखिए कहूँ आप बहुत हेल्पफुल हम आहाँ जहाँ भी पढ़ाऊँ सैड्रे नोट्स रखु से नोट्स अनुसार देखिकी सबगुड़ाक पढ़ु था जमी लाइन बै लाइन आपको पढ़ाऊँ जदि आपन को स्क्रीन में क्लीयर देखाऊनी तेल नोट्स रखत पाखे नोट्स मुझे लाइन बै लाइन पढ़ाऊँ लाइन बाय लाइन निजे भी देखु एंड ता सहित कनसेप्ट पूरा क्लीयर हूँ ठीक अच्छे तेल जाए सुधा जदि किए लाइक करना तले प्लीज टे लाइक कर दिंतु एंड सब्सक्राइब भी कर दिंतु क्लास सरला शेयर भी करदे सब सांग जूनियर सीनियर मानक है नेक्स्ट आम कौन देखा आउ गोटे प्रकार क्लासिफिकेशन देखा कौ टाइप क्लासिफिकेशन देखा ना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विली ऑन कोरियन कोरियन पर जो विली या से विली अनुसार केते प्रकार प्लासेंटा देखा एंड एबे जो क्लासिफिकेशन मैंने देखा जाऊँच प्रत्येक क्लासिफिकेशन हूँ गोटे गोटे 1.5 मार्क बा 2 मार्क्स क्वेश्चन आपण मैंने प्रीवियस ईयर किसी भी क्वेश्चन उठाई देखते एग्जाम मैक्सिमम टाइम आसता है इंटरमीडिएट प्लासेंटा कॉटिलेडनरी प्लासेंटा एंड डिस्कॉइडल प्लासेंटा ये तीन टा प्लासेंटा तो मैक्सिमम टाइम आसी ही थाए तो यही तीन टा जो मैक्सिमम टाइम आसता मानू कि आम बाकी प्लासेंटा गुड़ाक पढ़वानी आम पांचटा प्लासेंटा पढ़ा लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब से पढ़ा या भितर जहाँ भी क्वेश्चन 1.5 या 2 मार्क्स आसो सबुतिक आम अटेंड करके आसवा ठीक अच्छे एवं देखा तो डिफ्यूज प्लासेंटा कौन तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विली ऑन कोरियन आम पांच प्रकार प्लासेंटा देखा डिफ्यूज प्लासेंटा कॉटिलेडनरी प्लासेंटा इंटरमीडिएट प्लासेंटा जोनारी प्लासेंटा एंड डिस्कॉइडल प्लासेंटा अगेन डिस्कॉइडल प्लासेंटा दी प्रकार गोटे हूँ मोनो डिस्कॉइडल एंड बाय डिस्कॉइडल प्लासेंटा तो गोटे गोटे करके देखा पूरा इजी जमा भी डिफिकल्ट नुह कौन हो डिफ्यूज प्लासेंटा द कोरियनिक विली रिमेन्स स्कैटर्ड यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द सरफेस ऑफ कोरियन एक्सेप्ट एट द एक्सट्रीम एंड्स एज फाउंड इन पिक्स हॉर्सेस एंड सेरम्स एक्सेट्रा तो जितके भी सब पिक्स अच्छा हॉर्सेस अच्छा जो मानकर को टाइप प्लासेंटा देखा होता सेमी प्लासेंटा देखा होता से मानक केस रे ही डिफ्यूज प्लासेंटा देखा हो कोरियन चारिपटे पूरा आच्छादित होकर रही विली किंतु तार एंड पार्ट रे ही
बिली गुड़ाक आबसेंट अच्छी आम कहते डिफ्यूज प्लासेंटा मैंने चारिड़े जोटा प्रेजेंट थी आम कहते डिफ्यूज तो जेहतु कोरियन चारिड़े यूनिफर्मली स्काटर्ड होकर प्रेजेंट स्काटर्ड मैंने खेल रहा खेल भिली प्रेजेंट अच्छी से डिफ्यूज प्लासेंटा कही था ऑलराइट नेक्स्ट देखा कॉटिलिडनरी प्लासेंटा कॉटिलिडनरी कौन ना द विली आर फाउंड इन आइसोलेटेड ग्रुप्स और पैचेस कॉल्ड कॉटिलिडन्स जदि भिली पैचेस है देखा जाए पैचेस मैंने कौन बर्तमान आप गोटे पेपर नि पेपर रे किछि किछि जगह रे आपण माने कलर कर दियंतु तो सेटा कोन हे गला पैच हे गला ना नहीं पैचेस हे गला एग्जैक्टली सेमती जदि हमरा कोरियन उपरे पैच हे कि किछि किछि जगह रे किछि किछि जगह रे प्लासेंटा देखा आउछि ताको हम भिल्ली देखा आउछि ताको हम कॉटिलिडन बोली कहिथांती एंड याको ही हम कॉटिलिडनरी प्लासेंटा बोली कहिथांती काई कहिथांती व्हाइल द रेस्ट ऑफ द कोरियन सरफेस रिमेन स्मूथ एज फाउंड इन कैटल शीप डियर एटसेट्रा जो जो जगह रे भिल्ली थिबो सेही जगह गुडा को टिकेना को रफ कारण भिल्ली गुड़ाक ता ऊपर उठी रफ हो जो जो जगह भिल्ली नगुड़ाक स्मूथ हो तो आप जो मैंने पुओ पिला था से तो शेविंग करुवे सेविंग कर ना दाढ़ी सेव कर सेव कर सारापर नेक्स्ट टाइम जिते बड़े आपर दाढ़ीटा उठू तो गालर हाथ मारिक देखिए रफ रफ लगुच ना ना कहीं लगुच कहीं से जो हेयरटा अच्छी से वन टाइप अफ भिल्ली आम भावा तो जगह रफ हो मुहर जो जगह दाढ़ी आपंकर उठूनी बाकी जगह गुड़ाक स्मूथ रोच मुंड होगा नाक होगा आखिपाख होगा आ जो गालर जो पोर्सन आपर दाढ़ी उठूनी से गुड़ाक स्मूथ होकर रोचे ना नहीं सेमती झील पिला जो मैंने कि सब वाक्सींग करेंगे से मर गोड़ होगा हाथ होगा जिते बड़े पुणी न्यू हेयर ग्रोथ हो जगह गुड़ाक रफ रफ लगुच ना ना जो जगह आम वाक्सींग होती कि आम फेस होगा आम नेक होगा से गुड़ाक कौन रोचे स्मूथ होकर रोचे सेमती हूँ आम कोरियन कोरियन जो लेयर रे गोटे गोटे पैच है कि देखा हो भिल्ली से जगह गुड़ाक टे रफ थाए एंड ताक आम कॉटिलिडन कही था आ जो जगह भिल्ली नगुड़ाक स्मूथ देखा तो आम कहते कॉटिलिडनरी प्लासेंटा ये टाइप रो प्लासेंटा देखा होने कॉटिलिडनरी प्लासेंटा कही था कॉटिलिडनरी प्लासेंटा कौटी देखा कैटल शीप डियर ए मानक केस देखा क्लीयर नेक्स्ट कौन देखा इंटरमीडिएट प्लासेंटा इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट मैंने द विली आर स्काटर्ड बिटवीन कॉटिलिडन्स जो कॉटिलिडन्स अच्छा कॉटिलिडन मैंने वर्तमान आम देखुं पैचेस हो जाए पैचेस हो जाए मैंने सपोज आपजन करते कि पुह मैंने था जो मैं कि गोटे गोटे पोर्सन में दाढ़ी उठे तो से भाते मोर यही पोर्सनटा कौन पर दाढ़ी उठूनी था मैक्सीम पुह था जो मैं कि पूरा फुल लेंथ दाढ़ीटा उठे गोटे गोटे जगह उठे गोटे गोटे जगह टिके फांका रही जाए तो आपजन करूँ आम गोटे पेपर ने पेपर में कि जगह आम पैच करदे विभिन्न प्रकार कलर नहीं पैच करदे कलर करदे गोल 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 कलर करदे भितर आम आउ टे मानने गार 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 कर कलर करदे आम कॉटिलिडन भितर कर कलर जो पैचेस अच्छी पैचेस भितर ही आम आउ टे कलर कर ठीक सेमती आम जो कॉटिलिडनरी प्लासेंटा देखा होने कोरियन पैचेस है देखा हो भिल्ली तो से पैचेस भितर भी आउ किसी प्रकार भिल्ली देखा जाती आम कौन कहते ना इंटरमीडिएट प्लासेंटा बिटवीन टू कॉटिलिडन मानने दुईटा पैच भितर जो भिल्ली देखा जामें कहते इंटरमीडिएट प्लासेंटा आटा कौ मानक केस देखा कैमेल होगा जिराफ होगा से मानक केस इंटरमीडिएट प्लासेंटा देखा राइट नेक्स्ट कौन आसो जोनारी प्लासेंटा जोना जोनारी मैंने गोटे पर्टिकुलर को जोन में देखा से जोनारी कहते सो द विली आर डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बेल्ट अराउंड द मिडिल ऑफ देयर ब्लास्टोसिस्ट एंड कोरियोनिक शैक एज फाउंड इन डॉग्स एंड कैट्स एक्सेट्रा कौ जोन में देखा होता है प्लासेंटा जो ब्लास्टोसिस्ट अच्छी ना तार मिडिल पोर्सन में ही देखा हो प्लासेंटा से आम जोनारी प्लासेंटा कही था पर्टिकुलर जोन में देखा हो मिडिल ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट से आम जोनारी प्लासेंटा कही था एंड ये कौटी देखा डॉग कैट जो मैं कौ टाइप प्लासेंटा था डेसीडुएट प्लासेंटा प्लासेंटा भेरा आम ट्रू प्लासेंटा कहते से ट्रू प्लासेंटा मानक केस जोनारी प्लासेंटा देखा एंड लास्ट में कौन अच्छी डिस्कॉइडल प्लासेंटा डिस्कॉइडल प्लासेंटा पुणी दि प्रकार गोटे हूँ मोनोडिस्कॉइडल गोटे हूँ बाइडिस्कॉइडल सो विली आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल डिस्क शेप्ड एरिया ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एज फाउंड इन द मैन एंड आर्थ्रोपॉड एप्स एंड बाइडिस्कॉइडल कौन ना विली आर अरेंज्ड लैटरली एज टू डिस्क ओवर कोरियन फाउंड इन मंकीज ये हूँ आम मोनोडिस्कॉइडल एंड बाइडिस्कॉइडल पूरा सिंपल अच्छी ना एवं आपने देखा हो कि डायग्राम ए बी सी डी ई आपको डायग्राम देखा ये डायग्राम गुड़ाक करेंगे ये डायग्राम गुड़ाक कौन ये डायग्राम हूँ विभिन्न प्रकार प्लासेंटा विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिज्म मानक केस देखा जाए
ओके तो एतिक हमें वर्तमान देखिले एतिक सरला हमरा हाफ लॉन्ग क्वेश्चन आउ टिके नको पार्ट अछि टिके पेशेंस नै कि बसंतु जेहेतु एटा गोटे बड लॉन्ग क्वेश्चन टे तो टिके तो टाइम लागिबो ही टिके पेशेंस नै कि बसंतु मु सार दउ छी आउ एठो स्टार्ट हो छी ना बहुत कांसेप्चुअल जिंस आउ एबे हमें जहां पढ़िबा माने हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़िबा हिस्टोलॉजी माने जो सेल सेल भितर कनेक्शन रही ही नहीं कि आम पढ़ा केमी प्लासेंटाटा क्लासीफाई कौ सेल माने मदर रौ सेल सहित फिटस रौ सेल आटाच होते बड़े कौ सेलटा क्षय हो किए फ्यूज हो जाऊ आम कौन हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लासेंटा हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लासेंटा रे आम जिते प्रकार प्लासेंटा वर्तमान देखा पांच प्रकार प्लासेंटा देखा प्रत्येक प्लासेंटा हूँ इट सेल्फ गोटे शॉर्ट क्वेश्चन एंड ए पांच प्रकार प्लासेंटा गुड़ाक हूँ गोटे गोटे वन मार्क क्वेश्चन कौन वन मार्क क्वेश्चन केमी पचार आम जो पढ़ा मुझे कहीदेवि तेल देखिए आम हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लासेंटा सो बेस्ड अपॉन द हिस्टोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन एम्ब्रियोनिक विली with the uterine wall and the degree of erosion the mammalian placenta are classified into the following five types based upon histological relationship kaha kaha bhitare na embryonic villi and uterine wall bhitare jo classification dekha jauchi mane erosion mu kahitile ko ko tissue sabu erode heki jauchi mane rupture heki palauchi dissociate hei jauchi taku hi ame kahuchanti kon na histological classification aa ei histological classification anusare mammal pakhare panch prakar ra placenta dekha auchi kon कौन देखा प्रत्येक जिन विषय डिटेल्स पढ़ा फास्ट देखा एपिथेलियो कोरियल प्लासेंटा घोषा दरकार नहीं मन रखिए पूरा ना रू ही मन रही ओके सो द प्लासेंटा वेयर द कोरियोनिक एपिथेलियम ऑफ फिटस जमा डग डग हो पढ़ीदेवे शीघ्र शीघ्र इंग्लीश आसी रही रही कि पढ़े मत भी इंग्लीश आईपाई पूरा स्पीड पढ़ूनी धीरे 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 पढ़ा जोद्वारा कि सब जिनस प्रत्येक वार्ड आम मुंड भितर पशा स्पीड स्पीड पढ़ीदे कौन जिनस मुंडे पशुनि आमको इंग्लीश आसी पढ़ी भी पार्बा आम जिनस जेहतु बुझुच्च तो रही 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 पढ़ा है कौन लिखाई है ना द प्लासेंटा वेयर द कोरियोनिक एपिथेलियम ऑफ फिटस इज इन कॉन्टैक्ट विद द यूटेराइन एपिथेलियम मार्क्स द एपिथेलियो कोरियल टाइप्स प्लासेंटा जोटा कि कोरियन एपिथेलियम सहित आटाच होकर रही कोरियनटा यूटेराइन वाल सहित आटाच होकर रही आम कौन एपिथेलियो कोरियल एपिथेलियो आम कौटा कौन यूटेराइन एपिथेलियम यूटेराइन वालटा यूटेराइन वाल को कवर करके किए रही एपिथेलियल टिश्यू रही आम यूटेराइन एपिथेलियम कही तो यूटेराइन एपिथेलियम सहित जो कोरियनटा आटाच होकर रही आम एपिथेलियो कोरियल कहते एपिथेलियो हूँ मदर रिश्यू कोरियलटा आसी आम फिटस टिश्यू पाखु तो एपिथेलियो कोरियल आउ एपिथेलियो कोरियल इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टिश्यू विथ सिक्स बैरियर्स ये जो एपिथेलियो कोरियल देखा या पाखे छटा बैरियर देखा कौन कौन बैरियर ना तीन टाइम मदर बैरियर देखा तीन टा फिटस बैरियर देखा मदर कौन तीन टा बैरियर अच्छी फर्स्ट एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल नेक्स्ट यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट यूटेराइन एपिथेलियम तापर कौन अच्छी कोरियोनिक एपिथेलियम ऑफ फिटस कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड एंडोथेलियम ऑफ फिटल ब्लड वेसल तो मदर सबुठ आउटर मोस्ट लेयर के यूटेराइन एपिथेलियम तापर मिडिल लेयर के यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू सबुठ इनर मोस्ट लेयर के ना एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल सेमती फिटस सबुठ आउटर मोस्ट लेयर के कोरियोनिक लेयर सो कोरियोनिक एपिथेलियम एपिथेलियल टिश्यू आम जानते सब आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट था एपिथेलियल टिश्यू तो जो एपिथेलियम अच्छी से कौन डिराइव होती है एपिथेलियल टिश्यू रू अच्छी तो फिटस चारिपटे जो कोरियन रही जो एपिथेलियल टिश्यू द्वारा से आच्छादित होकर रही है आम कोरियोनिक एपिथेलियम कही तो फिटस सबुठ आउटर मोस्ट लेयर कौटा रहा कोरियोनिक एपिथेलियम मदर सबुठ आउटर मोस्ट लेयर हूँ यूटेराइन एपिथेलियम फिटस सबुठ आउटर मोस्ट लेयर हूँ कोरियोनिक एपिथेलियम मदर मिडिल पार्ट हूँ यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू सेमती फिटस मिडिल पार्ट हूँ कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू मदर सबुठ इंटरनल पार्ट हूँ एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल एंड फिटस सबुठ इनर मोस्ट पार्ट रही एंडोथेलियम ऑफ फिटल ब्लड वेसल ये छटा यक आपण मैंने मन रखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनस ये से बारंबार रिपीट करके कहूँ एवं कौन हम ये छटा जाक जब आप न बुझुच्च ठीक से नेक्स्ट आ बुझीपारे से मुझे छटा अंक मन रखिए आ मन रखुवे रिलेट करा कौन पढ़ा ना इट इज सपोज टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव फर्म फ्रम ह्विच अदर टाइप्स हाव बीन डिराइव्ड प्रथम यही एपिथेलियो कोरियल टिश्यू को आम देखा सरी एपिथेलियो कोरियल प्लासेंटा को देखा जो एपिथेलियो कोरियल प्लासेंटा रू ही बाकी चारिटा जाक प्लासेंटा आम डिस्क्राइब होके
बर्तमान आपको गोटे डायग्राम देखा हो जो डायग्राम की आम पांच प्रकार प्लासेंटा विषय में आम डायग्रामा करपिथेलियो कोरियाल सिंडेसमो कोरियाल एंडोथेलियो कोरियाल देन हेमो कोरियाल देन हेमो एंडो हेमो एंडोथेलियाल ये जो पांच प्रकार प्लासेंटा रही पांच प्रकार प्लासेंटार डायग्राम दे दिखाई आपको पांच प्रकार प्लासेंटार डायग्राम करेंगे एंड रफ डायग्राम करेंगे चिन्हे कौटा कौन ता तले ना मेनसन करेंगे तो आम प्रथम टाइप्र प्लासेंटा कौन देखे एपिथेलियो कोरियाल बर्तमान एपिथेलियो कोरियाल प्लासेंटार बाकी चारिटा जाक प्लासेंटा बर्तमान आम देखा केमी डिराइव होती फास्ट कौन देखा सिंडेसमो कोरियाल कही मन रखी थे से छटा अंक फास्ट ये कौन हो देखो इन दिस टाइप ओनली द यूटेराइन एपिथेलियम इज इरोडेड सो दैट कोरियोनिक एपिथेलियम कम्स इन कंटैक्ट विद द यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू देखो छटा अंक आम पढ़ी प्रथम मुझे सब मदर आउटर मोस्ट लेयर कौटा था यूटेराइन एपिथेलियम यूटेराइन एपिथेलियम सिंडेसमो कोरियाल प्लासेंटार इरोड होरोड मैंने नष्ट बाहर की पलि आसदी यूटेराइन एपिथेलियमटा कटि जाऊँगी मानने बाहर को पलिआसे फिटसर जो आउटर मोस्ट लेयर था मानने कोरियोनिक एपिथेलियमटा क्या सहित आटाच होता मदर आउटर मोस्ट लेयर सहित आटाच होता अरे मदर आउटर मोस्ट लेयर सहित फिटस आउटर मोस्ट लेयर ही आटाच हम ना जमी मुझे आम कांथ कांथ सहित आम जाइए आटाच हाँ आम स्किन आटाच हे कौन बाली सीमेंट मैंने कांथर ऊपर भाग को भेदिकी बाली सीमेंट सहित जामर किडनीटा आटाच हम कि हेनी ना तो जमी आउटर मोस्ट लेयर मैंने कांथर ऊपर पार्ट सहित आम बॉडी स्किनटा आटाच होमती मदर यूटेराइन एपिथेलियम सहित फिटस कोरियोनिक एपिथेलियम आटाच हो आउटर मोस्ट लेयर सहित आउटर मोस्ट लेयर ये जो सिंडेसमो कोरियाल मदर यूटेराइन एपिथेलियम नष्ट नष्ट फल कोरियोनिक एपिथेलियम कम्स इन कंटाक्ट विद द यूटेराइन टिश्यू कोरियोनिक एपिथेलियम मदर मिडिल लेयर सहित जाकि कनेक्ट हो गोटे लेयर कटिगला तो मिडिल लेयर पाखक जा मिडिल लेयर कौटा मदर यूटेराइन एपिथेलियम जदि कोरियोनिक एपिथेलियम यूटेराइन एपिथेलियम सहित अटाच था यूटेराइन एपिथेलियम नष्ट तेल कोरियोनिक एपिथेलियम यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू सहित जाकि अटाच हो जोटा कि मदर मिडिल लेयर आउ ए टाइप प्लासेंटा कौटी देखा काओ शिप गोट बफालो कैमेल यू मान केस देखा सेमती एंडोथेलियो कोरियाल एंडो मैंने कौन एटी पुणी कौन कौन रप्चर हो जाए ना इन दिस टाइप बोथ यूटेराइन एपिथेलियम एंड यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू आर इरोडेड तो ये जो टाइप आम देखुं एंडोथेलियो कोरियाल एंडोथेलियो कोरियाल मदर दुईटा अंक लेयार नष्ट कौ दुटा लेयार आउटर मोस्ट लेयार आउ मिडिल लेयार मैंने यूटेराइन एपिथेलियम भी इरोड एंड यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू भी इरोड हो दुटा अंक नष्ट तो आम जो सिंडेसमो कोरियाल देखी थे केवल यूटेराइन एपिथेलियम नष्ट जोद्वारा कि कोरियोनिक एपिथेलियम जैक डायरेक्ट यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू सहित अटाच होता एटी एंडोथेलियल कोरियाल जब दुईटा अंक लेयार नष्ट मैंने यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू भी नष्ट यूटेराइन एपिथेलियम भी नष्ट कोरियोनिक एपिथेलियम का अटाच हम एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल सहित जाकि अटाच हम कि नहीं फास्ट लेयर सहित मैंने पूरा इनर मोस्ट लेयर सहित जाकि अटाच हम से ही लिखा है सो दैट कोरियोनिक एपिथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल कनेक्ट विद द एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल कोरियन न जो एपिथेलियम थिला से जाकि मैटरनल टिश्यूर एंडोथेलियम ब्लड वेसल सहित अटाच हो टाइप कौटी देखा ना इट इज सीन इन कैट डॉग मोल्स एक्सेट्रा ये टाइप ब्लड प्लासेंटा कैट मानक केस डॉग मानक केस मोल मानक केस जो कंट्राडेसीडुएट प्लासेंटा आम देखी थे मोल मानक से केस देखा एंडोथेलियो कोरियाल ठीक अच्छे बुझी हो नेक्स्ट कौन हेमो कोरियाल कौन इन दिस टाइप देयर इज द इरोजन ऑफ थ्री बैरियर्स ऑफ मैटरनल टिश्यू मैंने मैटरनाल जो तीन टाइम टिश्यू था इनक्लूडिंग ब्लड वेसल मैंने फास्ट था इनर मोस्ट लेयर एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल मिडिल लेयर था यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू एंड आउटर लेयर था यूटेराइन एपिथेलियम मदर तीन टा जाक लेयार एथरे नष्ट हेमोकोरियाल मदर तीन टाक लेयार नष्ट सो दैट कोरियोनिक एपिथेलियम क्या सहित कंटाक्ट आसो डायरेक्ट मैटरनल ब्लड सहित कंटाक्ट में पलि आस डायरेक्ट जो मैटरनल ब्लड सहित कनेक्ट में पलि आसू हेमो मैंने आम क्या कौन ब्लड को कहते हैं हिमोग्लोबिन ब्लड रिप्रेजेंट अच्छी हिमोग्लोबिन तो ये हेमो वार्डटा ब्लड रु हिं आसी जेहेतु कोरियोनिक एपिथेलियम वर्तमान डायरेक्ट ब्लड कंटाक्ट में पलि आसमु हेमोकोरियाल प्लासेंटा बोली कही था ब्लड पूर्वर मैटरनल पाखे तीन टा लेयर था जोटा जाक लेयर नष्ट कोरियोनिक एपिथेलियम डायरेक्ट कंटाक्ट में ब्लड सहित पलि आसमें कहते हैं हेमोकोरियाल प्लासेंटा आउ ए टाइप प्लासेंटा कौट देखा मैन एप्स एंड मंकी सम इनसेक्टिवर्स येस देखा हेमोकोरियाल एंड हेमो एंडोथेलियाल कौन हेमो मैंने ब्लड एंडोथेलियाल मैंने पुणी कौन
Now in this type, the five barriers, panchata barrier, including Kogmasta barrier, all the three maternal barrier, माने maternal जो तीनटा barrier रही थी, outermost, middle and innermost layer, तीनटा जाक नष्ट हो जीवो, and two fetal barriers are eroded, दीटा fetal barrier मध्य erode हो जीवो, को दीटा fetal barrier, तो obviously innermost layer तो आगो के भी erode हो बनी, प्रथमे outermost layer हो, तापरे middle layer हो, तो हमारे जो fetus अच्छी, fetus रहा सबूत outermost layer कोटा, chorionic epithelium, तो प्रथमे chorionic epithelium नष्ट हो, तापरे chorionic connective tissue नष्ट हो, mother रहा तो तीनटा जाक layer जाई जी सेमती फिटस रिटा जाक नष्ट ताले बचला कि एकमात्र बचला एंडोथेलियम फिटाल ब्लड भेसल एटी एंड फिटाल ब्लड भेसल जैक क्या सहित डायरेक्ट कंटाक्ट आस मदर ब्लड सहित डायरेक्ट कंटाक्ट आस कहीं ब्लड सहित आसो कहीं मदर तीन टाक लेयर पर नष्ट जदि मदर तीन टाक लेयर नष्ट बचला किए बचला केवल फिटस एंडोथेलियम फिटाल ब्लड भेसल सीए बर्तमान लास्ट लेयर मानने सब इनरमोस्ट लेयर अफ फिटस ए सब इनरमोस्ट लेयर अफ फिटस जहाँ आम एंडोथेलियम फिटाल ब्लड भेसल कौन एवं सीए डायरेक्ट कंटाक्ट पलैस क्या सहित ना मदर ब्लड सहित से आम हेडमो एंडोथेलियाल प्लासेंटा कही था एंडोथेलियाल आसी फिटस एंडोथेलियम फिटाल ब्लड भेसल रु एंड हेमो वार्डटा कौटू आसी ब्लड रु मैटरनल ब्लड को आम हेमो बोली कही था कहल पाए हिमोग्लोबिन प्रेजेंट अच्छे ब्लड से हेमो वार्डटा ए डिराइव हो ठीक अच्छे तो ये कौन देखा सो दैट द फिटाल क्लापिलरीज कम इन डायरेक्ट कंटाक्ट विथ द मैटरनल ब्लड इट इज फाउंड इन रैट्स गिनीपिग्स एक्सेट्रा ओके बुझेगा पांचटा जाक आउ थे बुझे दूँ कौन पांचटा अंक बुझे दूँ प्रथम कथा मन देखि शुणे एपिथेलियो कोरियल आमर छा लेयर देखा आउ थे यही बुझाऊँ कारण कनसेप्ट बुझा बहुत इंपोर्टेंट एंड प्रत्येक टाइप प्लासेंटा गोटे गोटे शॉर्ट क्वेश्चन एपिथेलियो कोरियल प्लासेंटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोथेलियो कोरियल एंड हेमो कोरियल प्लासेंटा व्हाट इज हेमो कोरियल प्लासेंटा एंड हेमो एंडोथेलियल प्लासेंटा तो एगुडा सब हूँ गोटे गोटे शॉर्ट क्वेश्चन एंड या भितर वन मार्क क्वेश्चन आसो कौन वन मार्क क्वेश्चन आसो ना सिंडेस्मो कोरियल प्लासेंटा कौ लेयर इरोड हो जाए हेमो एंडोथेलियल प्लासेंटा रे डायरेक्ट ब्लड सहित मदर ब्लड सहित फिटस रो को लेयर कनेक्शन होची तो प्रत्येक लाइन गोटे गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके से आउ थे कही दूँ शॉर्ट रे बुझी जानतु एपिथेलियो कोरियल प्लासेंटा रे छ प्रकार रो लेयर देखा तीनटा लेयर मदर रो तीनटा लेयर फिटस रो मदर रो आउटर मोस्ट लेयर होची यूटेराइन एपिथेलियम फिटस रो आउटर मोस्ट लेयर होची कोरियोनिक एपिथेलियम मदर रो मिडिल लेयर होची यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू फिटस रो मिडिल लेयर होची कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू मदर रो इनरमोस्ट लेयर होची एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल फिटस रो इनरमोस्ट लेयर होची एंडोथेलियम ऑफ फिटाल ब्लड वेसल ए छटा एपिथेलियम को नहीं सॉरी ए छटा टिश्यू को नहीं कि ए छटा लेयर को नहीं कि एपिथेलियो कोरियल प्लासेंटा तैयारी है एंड एपिथेलियो कोरियल प्लासेंटा रु ही बाकी प्लासेंटा माने डिराइव होती तो सेकंड नंबर प्लासेंटा आम कौटी देखुं ना सिंडेस्मो कोरियल प्लासेंटा सिंडेस्मो कोरियल प्लासेंटा रे कौन होची केवल मैटरनल आउटर लेयरटा नष्ट हो जाए माने केवल यूटेराइन एपिथेलियमटा नष्ट हो जाए जोद्वारा कि कोरियोनिक एपिथेलियम फिटसटा मदर रो मिडिल लेयर यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू सहित अटाच हो जाए नेक्स्ट एंडोथेलियो कोरियल ले मदर रो दीटा लेयर नष्ट हो जाए माने यूटेराइन एपिथेलियम आउटर मोस्ट लेयर नष्ट हो जाए मदर रो मिडिल लेयर यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू मध्य नष्ट हो जाए जोद्वारा कि फिटस रो आउटर मोस्ट लेयर जहाँ को आम कोरियोनिक एपिथेलियम बोली कही था सीए बर्तमान डायरेक्ट कंटाक्ट पलि आस मदर रो इनर मोस्ट लेयर एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल सहित एंड से आम एंडोथेलियो कोरियल बोली कही था कोरियल आसूची कोरियोनिक एपिथेलियम रु एंडोथेलिया वार्डटा डिराइव हो एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल से टाइप प्लासेंटा को आम एंडोथेलियो कोरियल प्लासेंटा कही था एंड हेमो कोरियल प्लासेंटा कौन हेमो कोरियल मदर रो आउटर मोस्ट मिडिल एंड इनर मोस्ट तीन टा जाक लेयर नष्ट जोद्वारा कि कोरियोनिक एपिथेलियम फिटसटा मदर रो डायरेक्ट ब्लड कंटाक्ट पलि आस एंड से आम कौन कहते ना हेमो कोरियल प्लासेंटा कहते एंड लास्ट हेमो एंडोथेलियल प्लासेंटा हेमो एंडोथेलियल प्लासेंटा कौन ना ए पांचटा लेयर नष्ट जो पांचटा लेयर भितर मदर रो तीन टा लेयर आउटर यूटेराइन एपिथेलियम मिडिल यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू एंड इनर एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल तीन टा जाक लेयर नष्ट सहित फिटस रो दीटा लेयर माने आउटर कोरियोनिक एपिथेलियम एंड मिडिल कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू नष्ट जो द्वारा कि ए छटा लेयर भितर केवल गोटी ही लेयर बंचुची से होची फिटस रो इनर मोस्ट लेयर एंडोथेलियम ऑफ फिटाल ब्लड वेसल आउ एंडोथेलियम ऑफ फिटाल ब्लड वेसल वर्तमान मदर रो जेहेतु तीन टा जाक लेयर नष्ट तो डायरेक्ट कांटेक्ट कहा सहित आसो ना मदर रो ब्लड सहित
सहित आसव जेहेतु फिटस एंडोथेलियम लेयरटा मदर ब्लड सहित डायरेक्ट कंटाक्ट आसपाक आम हेमो एंडोथेलियाल प्लासेंटा कही क्लीयर पांचटा जाक लेयर पूरा क्लीयर एवं लास्ट आम कौन देखीदे फंक्शन पे आउ थे कही रखुच्छे डायग्राम सियोर करेंगे डायग्राम नक मार्क मिलेन ये क्वेश्चन ने से डायग्राम करवा निहाती भाव दरकार फंक्शन कौन बहुत इजी फंक्शन आम आरंभ जानते पूरा जितक फिजियोलोजिकल फंक्शन रही है से गुडाक हूँ सब यार फंक्शन तो न्यूट्रिशन होगा रेस्पिरेशन होगा एक्सक्रीशन होगा प्रोटेक्शन होगा एंड आंटीबॉडीज आम जानते आंटीबॉडीज से इम्यूनोग्लोबुलिन आपने पढ़ते कोर सेवेन में भी आपने इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ते एंड जस्ट प्रीवियस सेमिस्टर रे ही इम्यूनोलोजी आपने पढ़ते जे प्लासेंटा थ्रू रे इम्यूनोग्लोबुलिन पास हो मदर फिटस बॉडी को जे कि फिटस बॉडी रे इम्यूनिटी तैयारी करुच्चे जहाँ आम इनेट इम्यूनिटी बोली कही था ओके तो ये जो आंटीबॉडीज अच्छी ये आंटीबॉडी पास कर सप्लाई ऑफ आंटीबॉडीज होची प्लासेंटार वन ऑफ द मेन फंक्शन तो प्लासेंटार कौन कौन फंक्शन रहा न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन प्रोटेक्शन एंड सप्लाई ऑफ आंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू फिटस ओके एबे क्लियर आई होप कि जो प्लासेंटेशन लॉन्ग क्वेश्चन आपर पूरा बढ़िया से क्लियर हो जाए लाइफ रे केबे भी भूलिबे नहीं एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन खाली बीएससी लेवल नो एमएससी लेवल रे भी आपर अच्छी तो प्लीज ये क्वेश्चन को बहुत भल भाव पढ़ंतु आराम से लेखा प्राक्टिस करंतु एग्जाम आसीबा ही आसीबा ये क्वेश्चन एंड प्लीज 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 जो माने भी वर्तमान सुधा वीडियो लाइक करना थे टिके लाइक कर दियंतु चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जिते भी सब नुआ नुआ वीडियो अछि म आपन मन सुधा शेयर करबी एंड जिते पारछंती सेते समस्त को शेयर करन देखाबा आ गोटे सुंदर क्लास रे थैंक यू।